स्टूडेंट ECD क्लास ही टुडे आई इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट काउंटडाउन पेज नंबर 111। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस डेट पर आप ये वर्क कर रहे होंगे तो डेट लाजमी मेंशन कीजिएगा। यूनिट नंबर जो है 6 डिवीजन। हमने क्या करनी इधर, अब हमने डिवीजन पढ़नी है, ठीक है। मोइस, सलीमा एंड अदीबा बाय 6 आइसक्रीम कॉन। मोइस ने और सलीमा और अदीबा, ये जो तीन दो गर्ल्स और एक बॉय था, इन लोगों ने क्या करा, इन तीनों ने क्या करी, 6 आइसक्रीम जो है आइसक्रीम वाले बॉय से खरीदी। दे वॉन्ट टू शेयर देम इक्वली, और ये चाहती थी कि ये सारे जो है ये बिल्कुल इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। हाउ मेनी डज ईच गेट, अब हमें बताना है हर बंदी को या हर बंदे को कितनी आइसक्रीम मिली, ठीक है। फर्स्टली अब इधर देखिए, फर्स्ट द आइसक्रीम मैन पिक 3 कॉर्न। आइसक्रीम मैन ने क्या करी, 3 जो आइसक्रीम थी वो पिक ली, ठीक है। ही गिव 1 आइसक्रीम कॉर्न टू ईच, उसने आइसक्रीम मैन ने क्या करी, पहले 3 आइसक्रीम ली और लेकर हर एक एक बच्ची को, बच्चे को एक एक आइसक्रीम दी। 3 आर लेफ्ट आवर, अब यहाँ क्या हुआ कि 3 जो है वो बच गई थी, थी कितनी आइसक्रीम खरीदी, अभी कितनी थी, उन्होंने 6 कर दी, तो वो चाहते कितने थे कि इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो सबके पास, तो इसकी वजह से उन्होंने पहले एक एक करके इन तीनों को दी। बाकी कितनी, अब अंकल के पास कितनी बची, 3 बची, ठीक है। देन ही टेक 3 मोर, ही गिव ईच चाइल्ड 1 आइसक्रीम कॉन मोर, अब उन्होंने क्या करा, एक और जो आइसक्रीम थी वो क्या करी, एक और दी उन्होंने, ठीक है। एक एक थी इनके पास, अभी एक और दी इन्होंने अंकल ने। किड थ्रो रैपर इन दी डस्टबिन, और किड ने जो है उस आइसक्रीम का जो रैपर था वो डस्टबिन के अंदर वो थ्रो करा। अब देखे, ईच चाइल्ड हैज 2 आइसक्रीम कॉन, हर एक एक बच्चे के पास आइसक्रीम के कितने कॉन थे, 2 थे। देयर आर 0 आइसक्रीम कॉन लेफ्ट, अब कितनी आइसक्रीम बची, 0, पहले तो 3 बच रही थी ना, पहले क्या बची थी, 3 बची थी, अब कितनी बच रही है, अब यहाँ पर 0 बच रही है। वी से, हम कहेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6, अब हम और लिखेंगे, अब इसको कैसे विराइट लिखेंगे, कैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इसका ये क्या है स्टूडेंट, ये एक सैंपल है, किस चीज का सैंपल है, हम ये डिवाइड का या डिवीजन का ये क्या है, सैंपल है। इसी के साथ साथ हमारा पेज नंबर जो है 111 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 112, ठीक है स्टूडेंट। डिवीजन, किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर, किरण ये एक बच्ची थी, इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या थे, स्टिकर के पैकेट, ठीक है, पैकेट थे, ये स्टिकर जो थे वो 8 थे। और इसका ख्याल क्या था, इधर देखे, आई ऑलवेज कवर माई बुक एंड डेकोरेट देम, इसका ख्याल क्या था, वो चाहती थी कि उसकी जो बुक जो वो कवर लो और क्या हो, डेकोरेट हो, अच्छी खूबसूरत लगे, ठीक है। शी वॉन्ट टू पेस्ट 2 स्टिकर ऑन ईच ऑफ हर बुक, वो चाहती थी दो स्टिकर जो है वो हर बुक में लगाए। हाउ मेनी बुक्स विल हैव स्टिकर ऑन देम, तो उसको कितनी बुक की जरूरत थी, मतलब कितनी बुक वो चाहिए थी कि उस पर वो स्टिकर लगाए। अब इधर देखे, पहला, किरण टेक अवे 2 स्टिकर शी पुट देम ऑन 1 बुक, किरण ने पहले क्या किया, 2 स्टिकर लगाए पहली बुक में, ठीक है, फर्स्ट बुक में 2 लगाए। तो अब देखिए इधर, माइनस 8 - 2 = 6, मतलब 8 थे ना उसके पास, हमने ऊपर क्या पढ़ के आए थे, कितने स्टिकर थे, 8 थे। अब 8 में से सपोज कर ले, जहन में रखिए, 2 स्टिकर जो है उसने एक बुक में लगा दिए, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लेफ्ट, मतलब 6 बचे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर देखिए,
देन फिर शी टेक अवे टू मोर, फिर उसने क्या किया दो और स्टिकर लिए, शी पुट देम ऑन द सेकंड बुक, पहली बुक में दो लगा, अब सेकंड बुक में उसने कितने लगाए टू, अब सेकंड बुक में जब लगाए इधर देखिए यहाँ से भी टू और जो है उसने ले लिए स्टिकर, वन टू थ्री फोर, तो अब यहाँ पर देखिए कितने हैं फोर है, सिक्स में से टू गए, बाकी कितने रिमेनिंग बचे फोर बचे, ठीक है। अब देखिए अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ शी टेक अवे टू मोर, उसने क्या किया दो और लिए, शी पुट देम ऑन द थर्ड बुक, उसने क्या किया थर्ड बुक में जो है उसने दो लगाए, ये देखिए यहाँ पर टू, यहाँ फोर है और यहाँ टू है, अब यहाँ देखिए एक बुक में लग गए थे, दूसरी बुक में लग गए थे, अब ये देखिए तीसरी बुक में भी ये लग गए टू, तो अब रिमेनिंग यहाँ ही से हमें पता चल गया कितने रिमेनिंग बचे वन टू, ना फोर में से टू गए, लेफ्ट ओवर कितने बचे टू बचे, ठीक है। अब यहाँ देखे इसमें वन टू थ्री, अब इसकी तीन बुक जो है कवर हो चुकी है, अब यहाँ देखे टू स्टिकर आर लेफ्ट नाउ, किरण पुट देम ऑन दी फोर्थ बुक, अब उसके पास जो है सिर्फ बचे ही दो ही स्टिकर थे, तो उसने टू में से यहाँ बचा हुआ था ना ये वाला टू, टू में से टू गए, बाकी कितने बचे उसके पास जीरो बचे, ठीक है। हाउ मेनी बुक हैव स्टिकर, कितनी बुक यहाँ पर उसको चाहिए थी, हाउ मेनी बुक हैव स्टिकर, कितनी बुक में स्टिकर लग गए फोर, ठीक है। एट डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू कितने हुए फोर, राइट करेंगे टू डिवाइडेड बाय एट डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फोर, तो इसी के साथ साथ हमारा पेज नंबर 112 कंप्लीट होता है। अब उसके साथ साथ हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 113, ये भी डिविजन है, ठीक है। हेयर आर 10 बैलून्स, यहाँ पर देखिए 10 बैलून्स हैं, ठीक है। ड्रॉ टू बैलेंस ऑन ईच स्टिक, हमने क्या करना है, यहाँ स्टिक दी गई है, हमने हर स्टिक पे क्या करना है ड्रॉ करना है, बनाना है टू बैलून्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टिक हैव बैलून ऑन देम, अब हमने क्या करना है इधर स्टिक बतानी है कि कितनी स्टिक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक बैलून ड्रॉ होगा, इसी तरीके से आपने यहाँ पर बैलून्स खुद ड्रॉ करने हैं, सही। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ 10 बैलून्स थे ना, इधर 10 बैलून थे तो उसमें से दो चले गए एक स्टिक में, तो कितने बचे 8 बचे। अब देखिए फिर यहाँ पर जो है, अब इधर 2 तो चले गए इधर, अब फिर दो 8 थे ना, 8 में से 2 जो है इधर आ गए बैलून्स, ठीक है, इधर भी आ गए, ठीक है, बैलून्स आ गए, तो कितने बचे रिमेनिंग 6। फिर इधर जो है ये दो और दो, मतलब यहाँ पर फोर इधर चले गए, तो मतलब सिक्स में से टू गए फोर रिमेनिंग बचे, ठीक है। फोर में से जब टू दोबारा बैलून जब इधर आए तो कितने बचे टू, और जब टू इधर भी यूज हो गए तो बाकी कितने बैलून बचे पीछे जीरो, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय टू, मतलब यहाँ पर जो 10 थे ना, यहाँ पर थे तो पूरे यहाँ पर 10 बैलून, ठीक है, 10 आ गए, डिवाइडेड टू टू डिवाइड करा हमने, क्योंकि इधर टू 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 सब जगह आ रहा था इसलिए इधर टू हो गया, 10 डिवाइडेड बाय टू, रिमेनिंग कितने बचे फाइव, फाइव कैसे बचे फाइव स्टिक का, हमें इधर स्टिक पूछा है तो हमने स्टिक ही बताना है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ फाइव स्टिक आ गए। इसी के साथ साथ यहाँ वाली और यहाँ वाली ये दोनों जो है आपने खुद करने हैं स्टूडेंट, उसके साथ साथ यहाँ देखे, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट ये जो टू है ना, हमने इधर बैलून्स के उधर रखा था और इधर 10 है, हम यहाँ ये सैम्बल किस चीज का आ रहा है, यहाँ किस चीज का आ रहा है, ये डिवाइड का इधर सैम्बल आ रहा है। उसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए यहाँ टू का टेबल हम उतने टाइम लेकर जाएंगे कि 10 हमारा कम्प्लीट हो जाए, जैसे यहाँ देखिये मेरी फिंगर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10 आ गया ना, टू फाइव जा 10, तो इधर 5 आ गया। यही एक और बात थी, ये कौन सी बात थी कि हमने टेबल जो टू का कितने टाइम लेकर जाना है, जितने टाइम में ये आंसर आ जाए, ठीक है, इधर 5 आ गया। इसी के साथ साथ हमारा पेज नंबर 113 कम्प्लीट होते गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 114।
देखिए डिविडेंड इक्वल ग्रुप है ठीक है। इन अली स्टोर, अली का एक स्टोर है, बन आर पैक्ड इन फॉरेस्ट, इन्होंने बन जो होते हैं डबल रोटी जो होती है वो बनाएंगे फॉरेस्ट के मुताबिक। हाउ मेनी पैक्ड कैन अली मेक विद 12 बन, कितने पैक बने हमें ये बताना है जबकि 12 बन बने हुए इधर ठीक है। आई ऑलवेज वेयर अ हैट एंड ग्लव्स, अब इन्होंने क्या किया ये बोल रहा है कि मैं हर में लास्ट में है ये ऑलवेज हमेशा क्या करता हूँ पहनता हूँ, मैं हमेशा ग्लव्स और हैट पहनता हूँ। आई टच फूड, क्लीननेस इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, मतलब ये खाने को टच करने से पहले ये ग्लव्स और हैट पहने हुए होते हैं, क्यों पहने हुए होते हैं क्योंकि इनको सफाई ज्यादा जरूरी हेल्थ के लिए ठीक है। अब देखिए पहले बन गिनने इधर काउंट कर लें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन दी ठीक है। आफ्टर वन पैक इज मेड 8 बन आर लेफ्ट, जब इन्होंने एक पैकेज बनाया बन का और हमें पता हर एक पैकेट में कितने बन होंगे 4, कितने बन होंगे 4, तो यहाँ देखिए 12 बन थे 4 चले गए मतलब 12 में से 4 गए 8, तो मतलब यहाँ पर लेफ्ट कितने बचे 8 बचे। सेकेंड स्टेप देन उन्होंने क्या किया आफ्टर टू पैक आर मैच, बाद में उन्होंने दो पैकेट और बनाने के बाद 4 बन आर लेफ्ट, मतलब एक पैकेट में कितने थे 4 थे तो 2 पैकेट हो गए तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो चले गए। अब बाकी कितने बचे, अब यहाँ बोला है 4 बन आर लेफ्ट, कितने बचे 4 पता है क्योंकि हमें पता है कि 12 बने थे 12 में से 8 तो इधर आ गए, बाकी कितने बचे 4 बचे। 4 = 4 = 2 अब यहाँ देखे आफ्टर 3 पैक आर मेड 0 बना ले, बाद में इन्होंने एक और जब थर्ड जो पैकेट बना दिया ना फिर उसके बाद कितने बचे बिल्कुल 0 बन सारे खत्म। अली कैन मेक 3 पैक ऑफ 4 बंस ईच विद 12 बन, अली ने क्या किया 3 पैकेट बनाए हैं बन के और हर एक पैकेट में 4 बन है, उसके साथ साथ कितने थे कितने बन जुड़े पूरे टोटल 12 बन थे से 12 / 4 = 3, 12 को डिवाइड किया गया 4 से = 3। अब हम इसको पढ़ तो हम ऐसे अब लिखेंगे कैसे 12 / 4 = 3, हमने क्या करना है 4 का टैब पे इतनी दफा पढ़ना है जहाँ 12 पैकेट रुक जाए, जैसे 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 4 3 = 12, हमारे इसके साथ है पेज नंबर 114 कंप्लीट। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं पेज नंबर 115 डिविजिंग यूजिंग आ नंबर लाइन, हम इस नंबर लाइन के मदद से डिविजन करेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी जंप्स 2 कैन बोबो द बनी मेक फ्रॉम 10 बैक टू 0, अब यहाँ क्या कह रहे हैं हाउ मेनी जंप कितनी जंप कर रहा है बोबो, मतलब बनी जो है वो कितनी जंप कर रहा है 2 2 2 कर कर कितनी जंप कर रहा है हमें वो बताना है, और 10 से बैक मतलब बैक साइड में मतलब बैकवर्ड काउंटिंग में हुआ है ठीक है ये वर्क। अब देखे बोबो कैन मेक 5 जंप ऑफ 2 ईच, बोबो ने क्या किया है 5 जंप लगाए हैं 2 ईच, दो हर दो दो करके इसने 5 जंप लगाए हैं लगा सकता है सॉरी बबो कैन मेक 5 जंप और 2 ईच, बबो है या बनी जो है वो क्या है 5 जंप लगा सकता है 2 2 करके। देखे यहाँ पर देखे लुक एट दिस 10 से 8 1 10 8 से 2 8 से 6 2 8 से 3 8 से 4 सॉरी 6 से 4 पे 3 4 से 2 पे 4 और उसके अलावा 2 से 0 पे 5, मतलब कितनी बनी जंप लगा सकता है 5 जंप कर सकता है बनी ठीक है। अब इधर देखिए ये बात मैंने आपको प्रूफ करके साबित करके बताई कि कितनी जंप लगाई है बनी ने, उसके अलावा वी से 10 / 2 = 10, हमने क्या 10 को डिवाइड किया 2 के साथ अब और इसका आंसर क्या है 5 आया ठीक है। 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8 2 5 = 10, हमने क्या 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो हमारा 10 पैकेट डन हुआ ठीक है। तो हमने इसको पढ़ा तो इस तरीके से लिखा कैसे 10 / 2 = 2, इसी के साथ साथ स्टूडेंट ये जो है
हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पे. यूज द नंबर लाइन बिलो द आंसर दीज. आंसर देने के लिए अपने नंबर लाइन के जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा यही वाली नंबर लाइन. ठीक है. हाउ मेनी जम्प्स और टू कैन बी मेड फ्रॉम एट बैग. मतलब एट से जब उन्होंने क्या किया, बनी ने जंप लगाना शुरू किए, तो हमें बताना है कितने जंप किए. एट पे था ना. अब पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेस करेंगे, ये पहले वाली जो जंप थी. ठीक है. इस तरीके से हमें इजी होगा वे में. ठीक है, काम करना. ठीक है. अब देखिए हाउ मेनी जंप कितनी लगाई है टू के मुताबिक एट से. यहाँ से यहाँ लगाए वन, फिर टू, फिर थ्री और यहाँ देखिए फोर. फोर हो गई ना. देखिए यहाँ पर यह आंसर भी फोर है. एट डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फोर. हमने इस नंबर लाइन के मुताबिक तो करके बता दिया. अब हम ओरली जो है टेबल के थ्रू करके बताते हैं. हमने टू का टेबल उतना टाइम लगाना है जहां एट पे आके वो स्टॉप हो जाए. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट. तो इसी के साथ साथ हमारा आंसर भी आ गया फोर. ठीक है. बी सी आप खुद कीजिएगा. उसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 115 कंप्लीट हो चुका है. अल्लाह.